हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिटी पावर फैक्टर, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पीकेआर टेक क्लासेस को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ पर अचीव होता है? जब आपका लोड क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव हो। क्या हो? प्योरली रेजिस्टिव हो, और वोल्टेज एंड करंट किस में हो? सेम फेज में हो। किस में हो? सेम फेज में हो, तो वहाँ पर आपका यूनिटी पावर फैक्टर होगा। कंसीडर अ प्योरली रेजिस्टिव लोड दैट विल बी कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स। वी नो दैट इन द प्योर रेजिस्टिव लोड द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विथ ईच अदर। इन द अबव वेव फॉर्म बोथ वोल्टेज एंड करंट चेंज साइमल्टेनियसली। दैट्स वाई द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी जीरो। एज वी नो द पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, देयर फोर कॉस जीरो इक्वल टू वन। पावर फैक्टर आपका यूनिटी हो गया। इन दिस प्योर रेजिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर विल बी यूनिटी। देखें लीडिंग पावर फैक्टर किस में होता है? कैपेसिटिव लोड लोड में होता है। कैपेसिटिव लोड में होता है। ये कैपेसिटिव लोड की वेब फॉर्म है, ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं करंट लीड कर रही है, वोल्टेज लैग कर रहा है इसमें। ठीक, तो आगे देखेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। द लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी अचीव बाई यूजिंग द कैपेसिटिव लोड इन दिस सर्किट, बिकॉज द प्योर कैपेसिटिव लोड करंट लीड्स द वोल्टेज बाई एंगल 90 डिग्री। यदि प्योर कैपेसिटिव लोड होगा तो उसमें क्या है, करंट लीड करेगी 90 डिग्री से किसको, वोल्टेज को। ठीक, तो यहाँ पर क्या कैसा पावर फैक्टर होगा? लीडिंग पावर फैक्टर होगा। वी कैन ऑल्सो गेट लीडिंग पावर फैक्टर इन द कॉम्बिनेशन विथ रेजिस्टिव कैपेसिटिव लोड इन द सर्किट। इन द वेव फॉर्म इन द अबव वेव फॉर्म द करंट एंड वोल्टेज आर चेंजिंग एट डिफरेंट टाइम्स, सो देयर विल बी सम एंगल इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दिस एंगल इज नथिंग बट द पावर फैक्टर एंगल। एज आई मेंशनड Above, in the case of capacitive load, the current leads the voltage by 90 degree. So we get leading power factor in the case of a purely capacitive circuit. In the waveform, the current I encounters the zero crossing of the axis a little bit earlier than that of voltage. This is referred to as the leading power factor. The leading power factor will improve voltage regulation and it cause less power consumption by the load. इसके फायदे क्या होते हैं? लीडिंग पावर फैक्टर के जो आपका पावर कंजम्पशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लैगिंग पावर फैक्टर, इसका आप देख सकते हैं इंडक्टिव लोड के लिए ये क्या है, वेव फॉर्म है। इसमें जो आपका वोल्टेज है वो क्या करता है, लीड करता है करंट को, करंट लैग करेगी और वोल्टेज क्या करें, इसको आप पूरा करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रही है। लैगिंग पावर फैक्टर, कंसीडर दिस सर्किट विथ अ प्योरली इंडक्टिव लोड। वी नो दैट द इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स विद द वोल्टेज बाई एंगल 90 डिग्री। देख सकते हैं यहाँ पे करंट आई, वोल्टेज वी, तो वोल्टेज क्या है, लीड करता है करंट को कितने से, 90 डिग्री से। दैट्स वाई द पावर फैक्टर इन द इंडक्टिव लोड विल बी लैगिंग इन नेचर। लेट्स लुक एट द वेवफॉर्म पे देख सकते हैं। ठीक है, इन द वेव फॉर्म बोथ करंट एंड वोल्टेज आर चेंजिंग एट डिफरेंट टाइम्स। द करंट स्टार्ट टू फ्लो आफ्टर
वोल्टेज, सो देयर विल बी सम एंगल इन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। दिस सर्किट विथ अ लैगिंग पावर फैक्टर कंज्यूम्स मोर पावर। तो ये थे तीनों में डिफरेंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल आपको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।